नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा जनपद बागपत के बड़ा गांव में स्थित जैन धर्म तीर्थ क्षेत्र के लोग तीर्थ स्थापना जेंटल वालों के ऊपर किए गए जानलेवा हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि दिनांक 15 अगस्त 2021 दिन जनपद बागपत के बड़ा गांव में स्थित जैन समाज के 30 तीर्थ स्थल त्रिलोक तीर्थ स्थल संस्था से बाहर आए जैन संतालियों के ऊपर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों हजारों तत्वों के द्वारा जानलेवा हमला करते हुए अन्य बसों में तोड़फोड़ करके बसों में पेट्रोल डालकर आग लगाने की चेष्टा की गई और जैन समाज के अति संक श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थल के प्रांगण में घुसकर अपनी जान बचाई। इस हमले में अनेकों श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस बल के पहुंचने के बाद तक घटनास्थल से भाग गए। बांदानगर की जैन समाज में सकल जैन समाज की बैठक बुला उपरोक्त कृत्य की घोर निंदा की तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बांदा से ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। लेकर आज आपने ज्ञापन दिया? सुरेशचंद जैन जी करते हैं। मैं आज यहाँ पर बागपत जिले के बड़ा गाँव त्रिलोक तीर्थ संस्थान के तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो बस में कुछ अराजक तत्वों जो मुस्लिम युवक थे उन लोगों ने वहाँ हमला किया और बस के शीशे तोड़ डाले और जलाने का प्रयास किया बस को। उसके विरोध में पूरे जिले भारतीय जनता के हम सभी जैन समाज के लोगों ने बड़ा रोष व्यक्त किया और आज ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो। हम लोग अहिंसा प्रेमी हैं, हम लोग किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन उत्सित विचारों के कारण उन लोगों ने हमारे साथियों पर हमला किया और उनको जान से मारने का प्रयास किया। इसकी हम कड़ी घटना करते हैं और इसके लोगों को पकड़ने का प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग गिरफ्तार हों और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया के किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के